रुद्रपुर की एचपी कंपनी से निकाले गए 185 संविदा कर्मचारियों का हल्द्वानी के श्रमिक आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है और अब कर्मचारियों को कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। कांग्रेस नेता सुमित हृदेश ने धरना स्थल पहुंचकर कर्मचारियों को समर्थन दिया है। सुमित हृदेश ने धामी सरकार को घेरते हुए यह कहा है कि 185 घरों के चूल्हे जलने बंद होने के कगार पर हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी को इसकी परवाह नहीं है। अभी तक बीजेपी का कोई भी नेता इन कर्मचारियों की सुध लेने नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि युवा नेतृत्व वाली सरकार में आज युवा ही बेरोजगार हो रही है। इस दौरान कर्मचारियों ने हुंकार भरते हुए कहा है कि जो मजदूरी की बात करेगा 2022 के चुनाव में सत्ता पर वही काबिज होगा। हो चुके हैं यहाँ पर धरने में बैठे हुए, लेकिन ये शासन, ये प्रशासन, हमने कितनी बार गुहार लगाने के बाद भी ये शासन प्रशासन के कानों में कोई चेत नहीं रहे हैं। और हमारे जो है आज की डेट में इतने दिनों से हम लोग यहाँ पर भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे परिवार हैं, अपने बच्चे हैं, सबको छोड़ के ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जितने आप देख रहे हो सब बेरोजगार आज हो चुके हैं, लेकिन ना ये शासन हमारी सुन रहा ना ये प्रशासन हमारी सुन रहा है। हमने कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपनी गुहार लगाई है, लेकिन उनका वही कहना था कि इसको देखो, इसको जाने मत दो। डीएम साहब को उन्होंने आदेश दिए कि इसे जाने मत दो। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इससे पहले हम उनसे मिले थे तो उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर से कहा था कि इसे जाने मत दो। तो कल मैंने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि साहब यह है कि इसे जाइए तो गई, आप इसे नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन ये कर दो कि हमारा कंपनसेशन का करा दो। कि युवा शक्ति सारी हमारे प्रदेश की 185 परिवार हैं, आप समझिए 185 लोग नहीं, 185 परिवार धरने पे बैठे हैं। एचपी ने अपनी टैक्स हॉलिडे का पूरा फायदा उठाया, उत्तराखंड का 3 साल अनिवार्य पीरियड को पूरा करा उसके बाद का, और तुरंत कोरोना का हवाला देके इतनी प्रॉफिट मेकिंग एक कंपनी यहाँ पे लात मार के चले जा रही है, इनके रोजगार पे, इनके भविष्य पे, कहीं और ये इस उम्र की अवस्था में है, कहीं और इनको जॉब मिलने की संभावना नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। और इनके जितने इनके ऊपर दबाव है, आर्थिक दबाव है, मानसिक दबाव है, वो सारे इन पे छोड़ के सरकार ने भी इनको दरकिनार कर दिया है। एचपी ने तो निकाला ही निकाला, मुख्यमंत्री से 3-4 बारी मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन के अलावा कोई कार्रवाई नहीं। कांग्रेस के लोग लगातार इनके बीच में आ रहे हैं, इनकी आवाज उठा रहे हैं, और स्वयं ये न्यायिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, और जो श्रम कानून है इनमें संशोधन होने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में 5 लाख से ज्यादा जो परिवार सिडकुल की आय से जुड़े हैं उनके साथ ऐसा अन्याय ना हो। इनके लिए हमारे जो घोषणा पत्र, जो प्रतिज्ञा पत्र बनेगा, उसमें क्या जगह श्रम कानूनों के लिए कांग्रेस लाएगी।